नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और जैसे आप लोगों को पता है, मैं यहाँ गांव में आई हूँ, तो यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला होता रहता है, क्योंकि मेरे बगल मतलब मेरा जो घर है ऐसे चौबटिया पर पड़ता है, तो वहाँ हमेशा गाड़ी आते जाते रहता है। और तो अभी मैं आज मैं आप लोगों को कुछ अपना मन का बात बोलना चाहती हूँ। तो मैं किसी के बारे में बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं आज बोलना चाहूँगी रिंकू झा के बारे में, जो कि हम लोग की तरह नेपाल में ही रहती है, मैं भी यहीं रहती हूँ। तो उनके उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। तो जैसे आपको पता है कि वो भी इंडिया की थी, तो मैं भी इंडिया की ही हूँ। वो मधुबनी की थी, तो मैं दरभंगा की हूँ। और उन्होंने जैसे अपना पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र से किया है, मुंबई से किया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जैसे वो मतलब इतनी बड़ी जगह में रह के, मतलब इतना अच्छा जगह में रह के, इतना शहर में रह के, उसकी उनकी शादी गांव में हुई थी। तो उनका इस बार जो दुर्गा पूजा गए में गई थी, तो उनका मैंने गांव देखा था, तो उनका गांव बहुत ही सिंपल था। तो मैं भी जब यहां पे शादी करके आई थी ना, तो मुझे बहुत मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी गांव देखा नहीं था, क्योंकि मैं भी दरभंगा में, मैं शुरू बचपन से ही दरभंगा से में ही पली बड़ी हूँ, तो मेरा गांव से दूर दूर तक नाता नहीं था। मतलब जाती थी नानी के यहाँ, जाती थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही सा गांव था, तो सब दिन रहने में और कभी कभी रहने में बहुत फर्क होता है। तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था, बच्चा में ही जाती थी, तो लेकिन ये पता नहीं था कि मेरी भी शादी गांव में हो जाएगी। तो मुझे शुरू शुरू में, मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मतलब वैसे तो मेरे पति नौकरी करते हैं, तो मैं भी वहीं रहती हूँ, लेकिन जैसे कुछ दिन के लिए भी यहाँ आना हुआ, तो बहुत चीज़ ऐसा होता है जो जिसका आदत रहता है ना, वो चीज़ छूट जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होते रहता। तो वही मेरे साथ हुआ था, मैंने इतना बाजार देखा था, तो कहीं नहीं जाने का, मतलब सब जगह जाती थी, घूमती फिरती थी, यहाँ के सब बंद हो गया। यहाँ अगर बाजार भी जाओ तो मतलब 1.5-2 किलोमीटर है, पैदल जाओ, कोई साधन का व्यवस्था नहीं है, बहुत कुछ दिक्कत होता। अब तो शायद रोड भी बन गया है, लेकिन तब भी 1.5 किलोमीटर जाना पैदल मामूली बात नहीं है। तो ऐसे ही पहले मैं सोचती थी कि कहाँ शादी हो गया मेरा, कहाँ शादी होगा, मैं बहुत अपनी किस्मत पे पहले कोसती थी कि कैसे हो गया। पर धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे मतलब समझती गई। लेकिन अगर यहाँ रहती तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे जगह रहती थी, वहाँ भी बाजार जाती थी, घूमती फिरती थी, तो यहाँ पर आती तो पूरा बंद हो जाता है, तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। जैसे कभी आना पड़ा, जैसे दुर्गा पूजा में, कोई भी पबनी में आना पड़ा, तो मतलब थोड़े दिन रहना कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर ज़्यादा दिन रहते हैं ना, तो आपको फील होने लगता है मैं कहाँ आई हूँ। मतलब मुझे बहुत अजीब फील होती थी कि मतलब मैं यहाँ से कब जाऊँ, मैं जल्दी जल्दी छुट्टी ख़त्म होने का इंतज़ार करती थी कि मैं बच्चों सबका स्कूल शुरू है, मैं कब जाऊँ वहाँ पर। तो लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने उनका रिंकू झा का वीडियो देखा था, तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली कि वो जब ऐसा गांव में रह सकती है, और तो मैं क्यों नहीं रह सकती। तो मतलब मुझे अंदर से एक फील आई, मैं रहती थी यहाँ पे, वैसे बात नहीं कि मैं नहीं रहती थी, मन लगाती थी, लेकिन ज़्यादा दिन हो जाता था तो मन अकस जाता था कि कब जाएँ कब जाएँ। 15 दिन तक तो ठीक था, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता था, तो मतलब बहुत मुझे बेचैनी सी हो जाती थी। लेकिन इस बार मैं आई हूँ उनकी वीडियो देखने के बाद, तो मुझे यहाँ से पता नहीं, मतलब यहाँ अगर मैं 2 महीना भी अब रह जाऊँगी ना यहाँ पे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे जो ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब लगाव सा अब हो गया है। अब मुझे मायका नहीं अच्छा लगता, मैं मायका नहीं जाना चाहती, मैं मायका से अच्छा मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। तो थैंक यू रिंकू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू दीदी, क्योंकि आप तो दीदी ही हुई, आपकी भी शादी नेपाल में ही हुई है, मेरी शादी भी जनकपुर के गाँव में हुई है। आप जानती होंगी मधुपुर मठियानी, वो बॉर्डर साइड पड़ता है, तो वहीं पे मेरी शादी भी है, मठियानी से भी 1 किलो अंदर मेरा गांव पड़ता है, तो आप तो जानते ही होंगे। तो जनकपुर में भी मेरा घर बनेगा, तो वहां भी हम लोग अब जब देखते हैं शिफ्ट कब होंगे, क्योंकि हम लोग का सरकारी नौकरी मेरे पति करते हैं, तो उनको तो हर टाइम ट्रांसफ़र होते रहता है। तो अभी तो हम लोग हेटौड़ा में हैं,
मतलब जो नेपाल में रहते होंगे वो जानते हैं टोड़ा कहाँ पड़ता है। और मैंने भी एक चीज़ और सीखा है उनसे कि जैसे मैं ना मैथिली ज़्यादा नहीं बोलना चाहती थी वीडियो में, या अपने बच्चे सब को भी मैथिली नहीं ज़्यादा मतलब करती थी बोलने के लिए, क्योंकि मैथिली कहीं बोलो ना तो कहीं और लगता था। लेकिन उनके वीडियो में जब वो मैथिली बोलती है ना तो मुझे मतलब पता नहीं बहुत अपनापन फील लगा, मतलब जैसे लगता है कोई अपना जैसा टच वाला फीलिंग होता है ना। मैंने उनको मैथिली बोलते हुए देखा तभी मैंने उनको सब्सक्राइब कर लिया था, और उतना अपनापन लगता है ना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसी टाइम से मैंने भी अपने वीडियो में थोड़े थोड़े मैथिली वर्ड बोलने शुरू कर दिए। अपने बच्चों से भी मैं मैथिली में ही बोलती हूँ, और अब सब जगह मतलब घर पर तो मैथिली बोलती ही हूँ लेकिन वीडियो में नहीं यूज़ करती थी, तो अब वीडियो में भी अब यूज़ करने लगी हूँ। तो मतलब ऐसा होता है कि धीरे धीरे चीज़ को अपनाना अच्छा होता है, ऐसे अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। अब कहीं भी हो, मतलब दूसरी जगह हो तो ठीक है, कोई नहीं है तो चल सकता है, आप कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन आप जब अपने के पास हो, गांव में हो, तो अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। संस्कार ही हैं जो हमें एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से बांध के रखते हैं, तो अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं भी बहुत चीज़ सीखी हूँ रिंकू झा से, और आगे भी बहुत कुछ सीखूँगी, और मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, मिलके एक बार थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगी। तो आप अगर मैं अभी तो गांव आई हूँ इस बार, तो अगर छठ में तो भी जनकपुर जाऊँगी क्योंकि वहाँ मेरी ननद रहती है, वो छठ करती है। तो मैं अगर वहाँ रही, अगर रिंकू दीदी वहाँ रही, तो मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें मेरे वीडियो पे कुछ भी करके, तो इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का।